अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट इज डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब होता है कि डीएनए जो एक करैक्टर ट्रांसमिशन करा होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। सो देखते हैं कि हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है। The transmission of traits का मतलब होता है character, ठीक है, take place from one generation to other generation। जो transmission होती है character की एक generation से दूसरी generation में, उसको हम क्या कहते हैं, heredity, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो character होते हैं वो transmission होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इनटू एन अदर टाइप। जो बैक्टीरिया के टाइप है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं, एंड इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय द बैक्टेरियोफेज, और वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो बाय द बैक्टेरियोफेज। सो जो डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल का पता चला वो काफ़ी सालों के बाद पता चला, ठीक है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला। सो फर्स्ट जो है ग्रिफ्थ ने इसको एक्सपेरिमेंट में लाया, एक्सपेरिमेंट किए। सो ग्रिफ्थ को एक बैक्टीरिया मिला, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के नमूने के टू टाइप्स हैं। एक है स्मूथ जिसको हम एस टाइप कहते हैं, और एक है रफ स्ट्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, आर टाइप, ठीक है। स्मूथ स्ट्रेन जो है या एस टाइप जो है वो वायरुलेंट है, ठीक है, ये डेथ काज नहीं, ये डेथ काज करता है, ठीक है, ये डेथ काज करने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या होता हैविंग प्रोटेक्टिव पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, इसके ऊपर क्या होता है कि प्रोटेक्टिव एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है, ठीक है, कवरिंग होती है। और रफ स्ट्रेन में क्या होता है, ये नॉन वायरुलेंट है, ये डेथ काज नहीं करता, ठीक है, जिसको इन्फेक्टेड करता है, जिसमें जाता है, इन्फेक्टेड होता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो है उस होस्ट को जो है डेथ नहीं करता, ठीक है। सो ये नॉन वायरुलेंट है एंड डिडेंट हैव अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, और इसके ऊपर जो है पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं, कैप्सूल नहीं, ठीक है। ग्रिफ्थ इंजेक्टेड बोथ एस एंड आर टाइप स्ट्रेन टू माइस। ग्रिफ्थ जो है दोनों एस और आर स्ट्रेन जो है माइस के अंदर इंजेक्टेड किए। सबसे पहले उसने एस टाइप के जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्टेड किए। द वन विच वाज इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन डेवलप्ड न्यूमोनिया। जो है उसने एस टाइप के जो इन्फेक्टेड किए और माइस के अंदर न्यूमोनिया पैदा हुए, डेवलप हुए, और जो माइस है वो मर गया, ठीक है, डाइड। वाइल दैट इन्फेक्टेड विथ द आर स्ट्रेन स्टेट अलाइव। उसके बाद उसने जो है आर स्ट्रेन जो है इन्फेक्टेड किया, उसमें क्या हुआ कि माइस जो है मरा नहीं, वो जिंदा था, ठीक है, मतलब ये जो है वायरुलेंट हो गया और ये नॉन वायरुलेंट, ठीक है। उसके बाद इन द सेकंड स्टेज में ग्रिफ्थ हीट किल्ड द स्ट्रेन बैक्टीरिया। ग्रिफ्थ ने क्या किया कि जो एस टाइप है उसको जो है हीट किया, ठीक है, उसको गर्म किया, उसको जो है किल्ड किया, ठीक है, एंड इन्फेक्टेड इन टू द माइस, और वो जो है उसके बाद हीट करके उसके बाद माइस के अंदर इंजेक्ट किया। द माइस स्टेट अलाइव, माइस जो है जिंदा था, ठीक है, इसमें जो माइस है वो बच गया, इसमें जिंदा रहा।
Then he makes the heat killed S and live strain. उसके बाद ग्रिफ्स ने क्या किया कि जो किल्ड एस टाइप है और लाइव एस स्ट्रेन है उनको दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किए. ठीक है, द मिक्सचर वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस. जो है मिक्सचर था इन दोनों का, हीट किल्ड एस और लाइव आर स्ट्रेन का, वो माइस के अंदर इंजेक्ट किया एंड दे डाइड. जितने भी माउस थे वो मरते गए. ठीक है, सो इसके बाद जो गिरफ्त हैरान हो गया. ठीक है, सो इसको यहाँ पर पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको मार रही है, जो इस टाइप को ज़िंदा कर रही है. ठीक है, ही फाउंड लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन डेड माउस. जब उस माइस को, मरे हुए माइस को कट करके और एक्सपेरिमेंट किया, चेक किया माइक्रोस्कोप के ज़रिए, सो इसको जो है एस टाइप के जो किल्ड किए थे वो उसको माइस के अंदर ज़िंदा मिले. यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ इजीली. ठीक है, डायग्राम से यहाँ पर देखें, लिविंग एस टाइप स्ट्रेन है. ठीक है, ये जो है एक ट्यूब है, इसमें ये जो है एस टाइप के स्ट्रेन मौजूद है. ठीक है, ये डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं. सो उसने जो है ये पहले इस्तेमाल किए, इंजेक्टेड किए माउस के अंदर. जब इसने किए थे तो रिज़ल्ट इसको क्या मिला, जो माउस है वो डाइड हो गया, वो डाइज हो गया, वो मर गया. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि लिविंग आर स्टेन, ठीक है, नॉन वायरलेंट, जो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, उसने इसको माइस के अंदर इंजेक्टेड किए तो माइस को कोई असर नहीं हुआ. ठीक है, वो ज़िंदा ही था, जैसे जैसे हालत में था वो उस हालत में ही है. ठीक है, मतलब ये जो है वायरलेंट है और ये नॉन वायरलेंट है. इस टाइप में माइस मर जाता है और आर टाइप में माइस ज़िंदा रहता है. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, स्ट्रेन हीटेड एस जो है डेड एस स्ट्रेन जो है वो इन्फेक्ट किए माइस के अंदर. इसमें क्या होता है कि एस टाइप जो है वो बैक्टीरिया मरे हुए थे. ठीक है, उसमें फिर क्या किया, उसने जो है माइस के अंदर इन्फेक्टेड किया, इंजेक्टेड किया तो माइस जो है ज़िंदा रहा, कोई असर नहीं हुआ. ठीक है, फिर उसने क्या किया, तो डेड एस या जो हीटेड एस और लिंक आर एस दोनों को मिक्स करके उसको इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो रिज़ल्ट क्या मिला, माइस जो है मर गया. ठीक है, सो गिरफ्त वाज अनेबल टू आइसोलेट बोथ लाइव टू आर एंड सो बैक्टेरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. जो बैक्टेरियोफेज उसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है. व्हेन इट इन्फेक्ट अ बैक्टेरियम, जब बैक्टेरिया पे वो इन्फेक्ट करता है, दे फेज इन्फेक्ट डीएनए. जो फेज है वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टेरिया में, ओनली इन टू द बैक्टेरियम, सिर्फ बैक्टेरिया में. हर्शी एंड चेस दस एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म दैट डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल. हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में ये मालूम हुआ, कन्फर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. ठीक है,